फाइन बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बन हेट्रो एटम बॉन्ड। तो आइए जानते हैं कैसे होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इन दीज एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एंड फॉर्म्स आ सिग्मा बॉन्ड। आपको पता है कि इसका नाम ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर जो एडिशन रिएक्शन है वो स्टार्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे और सिग्मा बॉन्ड बनाकर वहां पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज मोर कॉमन इन कार्बोनिल कंपाउंड। बच्चों ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के सबसे ज्यादा एग्जाम्पल जो आपको इजिली देखने को मिलेंगे वो कार्बोनिल कंपाउंड्स में मिलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन टू कार्बन हेट्रो एटम मल्टीपल बॉन्ड। अब एक बात तो क्लियर है कि सर, एडिशन रिएक्शन तो सी डबल बॉन्ड सी पे भी होती है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी पे भी होती है, यानी एल्कीन में भी होती है और एल्काइन में भी होती है। अगर हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड में जाएंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ जुड़ा होता है, और कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन के अलावा कोई और दूसरा एटम होता है तो वो कंपाउंड कहलाता है हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है वो शो करता है कार्बन हेट्रो एटम एडिशन रिएक्शन। तो देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पे देखिए, इस कार्बोनिल ऑर्गेनिक कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, तो ये बच्चों ये हमारा जो कंपाउंड हुआ ये हुआ कार्बन हेट्रो एटम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और यहाँ पर ये हमारा रिएजेंट है जो हमको सप्लाई करेगा न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन के अंदर। कार्बन हेट्रो एटम मल्टीपल बॉन्ड पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऐड होगा, और देखिए कैसे ऐड हुआ, यहाँ पर बना लिया इसने हमारा सिग्मा बॉन्ड। तो ये रिएक्शन चूंकि न्यूक्लियोफाइल ने स्टार्ट किया एडिशन रिएक्शन, तो इसलिए कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है आपको? एक सवाल उठता है कि सर, कार्बोनिल कंपाउंड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों होता है? पोलर नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ओ एटम फैसिलिटेट्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बच्चों यहाँ पर दो रीजन मेन होते हैं कि सी डबल बॉन्ड ओ जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा पोलर इन नेचर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो कार्बन की कंपेरिजन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो पोलर नेचर होने के कारण यहाँ पर कार्बन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक कह लीजिए या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कह लीजिए रहता है, जिससे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इजीली हो पाता है। ये देखिए, यहाँ पर एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो आप देख रहे हैं पहले स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है, ओ पे चार्ज है, तो ये बॉन्ड जो है पोलर है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन के अंदर ऐड करेंगे तो वो इस कार्बन पर ही रिएक्शन करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपने जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, और इस फॉर्म में देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का ऐड करना इजी हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड बना के एडिशन रिएक्शन को शो करेगा। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ कीटोन्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें तो अगर एल्डिहाइड या कीटोन सबस्ट्रेट आपके पास है तो एल्डिहाइडिक सबस्ट्रेट में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट फास्टर होता है कीटोन के मुकाबले। अब बात करते हैं बच्चों मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो कैसे पाता है? रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू टू स्टेप्स। स्टेप वन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन। रिएक्शन में पहले एल्कोक्साइड आयन बनता है, आइए जानते हैं कैसे। देख पा रहे कि ये हमारा सबस्ट्रेट है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ जो ये हमारा हेट्रो एटम बॉन्ड है, यहाँ पर ये बॉन्ड पोलर होता है, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इसका पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव ओ की तरफ मूव कर जाएगा, कार्बन पे डेफिशिएंसी कॉज होगी और न्यूक्लियोफाइल इस पर बॉन्ड बनाने के लिए एडिशन रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। बॉन्ड यहाँ पे सिंगल रह जाएगा, ये देखिए, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना के हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। ये जो आप रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है पहले स्टेप के बाद, इसका नाम होता है एल्कोक्साइड आयन। बात करते हैं स्टेप टू की। तो बच्चों स्टेप टू में हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल अगर H प्लस है, प्रोटोन है, तो वहां पे प्रोटोनेशन होगा एल्कोक्साइड आयन का। तो इस रिएक्शन के हमने एज्यूम किया है कि न्यूक्लियोफाइल के बाद जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बचा है रिएजेंट से, वहां पर H प्लस बचा है, और ये H प्लस पे हमारा एल्कोक्साइड जो है बॉन्डिंग करेगा कुछ इस तरीके से, तो ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट।
क्लियर हुआ आपको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है वो दो स्टेप में होती है। पहले स्टेप में हमारा एल्कोक्साइड आयन बनता है, दूसरे स्टेप में जो हमारा बचा हुआ रिएजेंट है वो कंबाइन हो जाता है एल्कोक्साइड आयन के साथ और बन जाता है हमारा कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल या प्रोडक्ट। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की कुछ कॉमन एग्जाम्पल की, जानते हैं वो कौन कौन सी रिएक्शन है जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट है रिएक्शन विद HCN। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा HCN है, HCN के अंदर कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और जो हमारा हाइड्रोजन है इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। क्लियर है आपको? ऑक्सीजन पे हमारा पार्शियल नेगेटिव होगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है आप जानते हैं। तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो बॉन्ड जो है हमारा वो सिंगल रह जाएगा और ये आप देख पा रहे हैं HCN का एडिशन हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन के अंदर जो पहले ऐड होता है वो CN- ऐड होता है और CN- हमारा न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है, तो CN- न्यूक्लियोफाइल ने एडिशन स्टार्ट किया है। डेट्स वाई इट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बनने वाले कंपाउंड का नाम होगा साइनोहाइड्रिन। सेकेंड इज रिएक्शन विद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एल्कोहल भी जो है हमारा पोलर इन नेचर होता है, कार्बन के ऊपर हमारा पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस रिएक्शन के अंदर जैसे ही आप एल्कोहल ऐड करेंगे कीटोनिक ग्रुप में, कीटोनिक कार्बन पे OH- जो है यहाँ से एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करेगा और ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा हेमी एसिटल। थर्ड इज रिएक्शन विद प्राइमरी एमीन। तो आप देख पा रहे हैं कि प्राइमरी एमीन के अंदर हमारा जो एमिनो ग्रुप है ये यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है और रिएक्शन कुछ ऐसे जाएगी बच्चों, रीअरेंजमेंट के बाद आपको मिल जाएगा इमीन। आइए अब जानते हैं रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। कार्बनल कंपाउंड ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके बनाता है एल्कोहल। तो बच्चों आज हमने जाना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, कहाँ होता है, मैकेनिज्म देखी और उसके कुछ हमने कॉमन एग्जांपल भी देखे हैं। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।